हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल INDी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीओपे पे लेटर एप्लीकेशन की। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि फ्रीओपे पे लेटर सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन फ्रीओपे की तरफ से यहाँ पे कुछ बैड अपडेट निकल के आ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग फ्रीओपे एप्लीकेशन यानी फ्रीओपे पे लेटर यूज करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये एप्लीकेशन है जो मनी टैप की है, यानी कि आप लोगों को इस पर क्रेडिट लिमिट तो दी जाती है, वो मनी टैप की तरफ से दी जाती है। अब डायरेक्ट आप लोग मनी टैप पे क्रेडिट लिमिट अप्लाई करने जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे इनकम प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पे लेटर की सर्विस दी जाती है, जिस पे आप लोगों को क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है यूज करने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे बीच में कुछ अपडेट कर दिया गया है, काफ़ी लोगों के जो UPI फीचर है वो डिसेबल कर दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस मेरा भी जो UPI फीचर है उसे भी डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि अब मैं जो है फ्रीओपे पे लेटर यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पावर्ड बाय RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे गाइस इसका जो है बैंकिंग पार्टनर भी एक नया ऐड करा गया है। जैसा कि यहाँ पे पहले गाइस आप लोगों को सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक ही मिल रहा था, लेकिन अब उसके साथ ही साथ यहाँ पे RBL बैंक भी ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे जो भी क्रेडिट लिमिट मिलती है वो मनी टैप की तरफ से दी जाती है। और पहले इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि अगर आप लोग फ्रीओपे यूज करते थे तो आप लोग इसकी जो क्रेडिट लिमिट है, इसका जो अकाउंट है, वो मनी टैप के थ्रू भी मैनेज कर सकते थे। यानी कि अगर आप लोगों ने इसकी क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट कर रखी है तो मनी टैप पे जाके आप लोग इसकी क्रेडिट लिमिट मैनेज कर सकते थे, देख सकते थे, वहाँ से यूज भी कर सकते थे और रिपेमेंट भी वहीं से कर सकते थे, यानी पूरा का पूरा आप लोग वहाँ से मैनेज कर सकते थे। लेकिन हाल ही में इसमें एक नए अपडेट के बाद आप लोग मनी टैप से इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपका फ्रीओपे पे अकाउंट है तो आप लोग अब मनी टैप पे लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप लोग मनी टैप पे लॉगिन करने जाओगे वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आप फ्रीओपे एप्लीकेशन के यूजर हैं, आप फ्रीओपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसको लॉगिन करो। मनी टैप में आपको लॉगिन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें सबसे बड़े दो अपडेट करे गए। एक तो मनी टैप पे जो क्रेडिट लिमिट आप लोग इसकी मैनेज करते थे वो अब आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। दूसरा अपडेट ये है, किसी किसी यूजर का जो UPI फैसिलिटी है उसे भी डिसेबल कर दिया गया। यहाँ पे गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2500 रुपये तक लिमिट मिल जाती है और यहाँ पे एक UPI ID आप लोगों को दे दी जाती है, ठीक है, जो कि मनी टैप और IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ये UPI ID आप लोगों को मिलती है। लेकिन गाइस ये जो फीचर है ये काफ़ी लोगों का यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। यहाँ पे गाइस बीच में जो है आधार KYC का ऑप्शन आया था, यानी आपको अपने आधार कार्ड वेरीफाई करना था। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड वेरीफाई कर लिया होगा तब तो आप लोगों का स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन वर्क कर रहा होगा। यहाँ पे गाइस मैंने भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया था, अपलोड कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन तो अनलॉक हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो UPI फीचर है वो डिसेबल हो गया था। अब वो कैसे डिसेबल हो गया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रांजेक्शन करके ही दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं एक QR कोड स्कैन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो है QR कोड स्कैन कर लिया, जो कि ये बिजनेस अकाउंट का QR कोड है, ठीक है, पर्सनल QR कोड नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो है अमाउंट डालना होगा, तो चलिए अमाउंट डाल के यहाँ पे पेमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पोस्ट पेड लिमिट से 10 रुपये डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इस पर आप लोगों का 0 लगता है, प्रोसेसिंग फीस भी 0 लगती है, सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है खैर इसमें, ठीक है जी। उसके बाद चलिए हम यहाँ प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना पासकोड दर्ज करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने पासकोड दर्ज कर दिया। अब यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि बताया गया है कि UPI फीचर जो है आपके लिए टेम्परेरी डिसेबल कर दिया गया है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको नोटिफाई कर देंगे जब भी ये फीचर आपके लिए इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कुछ यूजर की ये सर्विस है वो डिसेबल कर दी गई है, वो लोग पे लेटर यूज नहीं कर पाते। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी UPI जो फैसिलिटी है, UPI का जो फीचर है वो डिसेबल कर दिया गया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर वहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि ये जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है गाइस आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही हो, आपकी UPI ID वर्क कर रही हो, आपका स्कैन एंड पे वाला भी ऑप्शन वर्क कर रहा हो, आप लोग इसको बहुत आसानी से यूज भी कर पा रहे हो। तो यहाँ पे गाइस मैंने इस एप्लीकेशन को अभी ओपन करा और ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे बताया गया कि आपका जो UPI फीचर है वो टेम्परेरी डिसेबल कर दिया गया है। अब ये क्यों डिसेबल करा गया है ये नहीं पता। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड भी वेरीफाई कर दिया था, आधार कार्ड यानी KYC भी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो उसके बाद भी यहाँ पे गाइस जो है UPI फीचर डिसेबल कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो 650 रुपये सिर्फ यहाँ पे, उसके बाद भी हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। अगर गाइस आप लोगों का भी UPI फीचर डिसेबल कर दिया गया है या आप लोग यूज कर पा रहे तो आप लोग प्लीज़ हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइए, ठीक है गाइस।
तो ये हो गया इस एप्लीकेशन का अपडेट, जहाँ पे इसका बैंकिंग पार्टनर भी एक नया ऐड करा गया है जो कि RBL बैंक है। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये जानकारी थोड़ी बहुत आपको पसंद आई होगी। अगर गाइस ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आई तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।